हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में चार सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 1, व्हाई लेस इज द बिग फैक्टर। सेक्शन नंबर 2, हाउ टू अप्लाई द वॉकअवे मेथड। सेक्शन नंबर 3, नेगोशिएशन आर नेवर फाइनल। सेक्शन नंबर 4, नो व्हाई सेविंग फेस इज सो इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 की, व्हाई लेस इज सो इंपॉर्टेंट। लेस होती क्या चीज है? लास्ट एक्सेप्टेंस सेटलमेंट, यानी बातचीत के दौरान सबसे सिक्योर नेगोशिएशन ही उसकी असली डेफिनेशन है। यानी आपको एक लेस का बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ। सेलर की जो भी लास्ट प्राइस होगी उसे हम लेस कहते हैं, लास्ट एक्सेप्टेंस सेटलमेंट। उससे और ज्यादा नीचे की प्राइस की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि लेस दोनों पार्टी का होता है, सेलर हो चाहे बायर हो, लेकिन सेलर का अपना एक एमआरपी भी होता है, जो 2006 का एक्ट है, जिसके जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं, एक प्राइस आपको पता ही होगा कि एक एमआरपी लगा हुआ होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उससे ज्यादा का वो सेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए एज पर द नॉर्म्स, गवर्नमेंट नॉर्म्स, एमआरपी वहां पे डालना होता है। बट इनका अपना लेस भी होता है, उससे लास्ट प्राइस से ज्यादा आप कितना भी भाव करेंगे, आप वॉक अवे मेथड, कोई भी मेथड अपना ले, अभी हम आगे उसकी चर्चा करेंगे, बट दुकानदार यानी सेलर उससे और ज्यादा कम में नहीं देगा। सो दोस्तों, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द वॉक अवे मेथड। दोस्तों, वॉक अवे मेथड का मतलब होता है, कोई चीज के लिए अगर आप अग्री नहीं है, आप वहां से चले जाए, आप वहां से हट जाए, या उस डील से खुद को अलग कर लें। दिस इज फंटास्टिक एंड वन ऑफ द मोस्ट नेगोशिएशन टूल। आप किसी भी सीरियस डिस्कशन में खुद को तब तक कंटिन्यू ना करें जब तक कि आप अंदर से रेडी ना हो। अगर आपकी डिजायर, आपका कोई लक्ष्य है, वो पूरा ना हो, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप हेजिटेट बिल्कुल ना करें कि अगर आपकी डिमांड पूरी ना हुई हो तो आप उस डिस्कशन से, उस टेबल से, उस नेगोशिएशन की बातचीत से खुद को जब तक अलग करने के लिए तैयार ना हो, तब तक आप बिल्कुल उस मीटिंग में, नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट बिल्कुल ना करें। आपको ये जानना जरूरी है कि सामने वाले पक्ष की क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या उसकी समस्याएं हैं और क्या क्या उसकी डिमांड है, यानी उसके नस को पकड़ना है। मतलब जब आप किसी के पास निगोशिएशन के लिए जाते हैं तो आपके पास पूरी संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। अगर आपकी पूरी जानकारी है और अगर आप ठीक उसी समय सामने वाले के टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री नहीं है, तो सीधा मतलब है आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप वॉक अवे मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप उस डिस्कशन से खुद को अलग कर सकते हैं। इसी को हम वॉक अवे मेथड बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वॉक अवे मेथड को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, चारों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो मेथड नंबर 1, अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है या आप उस व्यक्ति से सहमत नहीं है और वो बातचीत बिना विकल्प के चल रही है, इट मीन्स यू हैव नो ऑप्शन। इफ यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव नो फ्रीडम। इफ यू हैव नो फ्रीडम, यू कैन सिंपली अप्लाई वॉक अवे मेथड। फ्रीडम एक ऐसी चीज है दोस्तों, जिसका होना बेहद जरूरी है, स्पेशली नेगोशिएशन के कॉन्टेक्स्ट में। फ्रीडम हो तो आप बेटर डील पा सकते हैं। तो अब बात करेंगे वॉक अवे मेथड नंबर 2 की। दोस्तों, अगर नेगोशिएशन के दौरान, भावताओं के दौरान, बार्गेनिंग के दौरान अगर आपको प्राइस पसंद नहीं आया, तो कई बार ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि शर्म या संकोच करते हैं वॉक अवे करने में, कि अगर मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा तो ये शॉप वाला क्या सोचेगा, ये सामने वाला पक्ष क्या सोचेगा। हालांकि इस मैटर में औरतें काफ़ी अच्छी हैं, उन्हें प्राइस पसंद नहीं आया तो वो बिना पूछे यस नो करके सीधा चली जाती हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनसे भी हमें सीखना चाहिए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर आपने वॉक अवे मेथड स्ट्रेट अवे अपना लिया, तो आपको एक बेहतर डील मिलने में बहुत ताकत मिलेगी और आपके अंदर एक साहस आएगा वॉक अवे करने में, और ये एटीट्यूड आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अपने गन के ट्रिगर को खींचने में जल्दी ना करें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही आप वॉक अवे कर जाते हैं शॉप से, दुकानदार फट से आपको आवाज़ दे के बुलाएगा। तो हो सकता है आपको आवाज़ दे के बुलाया है तो आपको एक बेहतर डील मिल सकती है। तो इस तरीके से आप अपने विकल्प या ऑप्शन हमेशा ओपन करके रखें। वॉक अवे करने से पहले एक दो बात बोल के ज़रूर निकलें,
ताकि आप एक मौका छोड़े, एक विकल्प छोड़े, एक ऑप्शन छोड़ दें कि हो सकता है आपको वो आवाज देके बुलाए और एक आपको बेहतर डील मिल सकती है। हाँ, वॉक अवे मेथड कब काम में जोरदार तरीके से आता है, जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि कोई चीज जब आप सेल करने के इरादे से जाते हैं तो एक हाई एक्सपेक्टेशन आपकी होती है, जब आप कोई चीज बाय करने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपकी उम्मीद एकदम मिनिमम से मिनिमम होती है कि कम से कम मैं इसको खरीद लूँ। यहाँ पे आप वॉक अवे मेथड अपना सकते हैं, बिकॉज इससे पहले से ही आपका माइंड सेट है, डेवलप है, मिनिमम और मैक्सिमम की एक आपने लिमिट तय कर ली है, यहाँ पे वॉक अवे मेथड बिल्कुल बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ दुकान वालों को, या जहाँ भी मैं अगर शॉपिंग करने के लिए गया तो मैं तो बहुत नेगोशिएट अलग अलग तरीके से करता हूँ, तो मैं दुकान वाले को ज़्यादा समय, नॉट ऑल द टाइम, बस ज़्यादा समय मैं बोलता हूँ कि आप अपनी मुझे बेस्ट प्राइस, अपनी बेस्ट कीमत मुझे बता दो, मुझे पसंद आएगा मैं यस या नो बोलूँगा और सीधा चला जाऊँगा, हाँ है मुझे प्राइस पसंद आई तो मैं फट से खरीद लूँगा। वॉक अवे मेथड नंबर 3, दोस्तों वॉक अवे मेथड नंबर 3 को मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप वेंडर हो, चाहे क्लाइंट हो, कस्टमर हो, सप्लायर हो, कोई भी हो, इनको ये बात परेशान कर सकती है जो एग्जांपल मैं दूंगा या जो सिचुएशन आएगी। कुछ लोग होते हैं जो किसी भी प्राइस को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बताएंगे, मतलब एकदम हाई लेवल पे बताएंगे, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू जो प्रोडक्ट की है वो कुछ और होगी। फ़र्ज़ कीजिए कि वो प्रोडक्ट है 100 रुपये का और दुकान वाले ने उसकी कीमत बताई 400 रुपये। अब आप सोचिए कि 400 रुपये कहाँ और 100 रुपये कहाँ। तो ऐसे लोगों के लिए ये वॉक अवे मेथड परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि जैसे ही कस्टमर वॉक अवे मेथड अपना के शॉप से बाहर चला जाएगा तो दुकान वाला मालूम है क्या सोचेगा, अरे यार शेट, ये तो काश मैं इसको 200 या 250 बोलता तो कम से कम प्रोडक्ट तो बिक जाता, तब भी मैं 100-150 के फायदे में होता। अब मान लीजिए इसी सिचुएशन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर सेलर ने 400 रुपये का प्राइस अपने दिमाग में फिक्स किया हुआ है और आप वॉक अवे मेथड का फॉर्मूला यूज करके अपने दिमाग में आपने सेट किया कि ये चीज़ मुझे 100 रुपये या 150 रुपये में ही चाहिए, तो आपने क्या किया, वॉक अवे मेथड आपके सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा है और आपने दुकान वाले से तुरंत कहा कि आपकी मुझे वॉक अवे प्राइस बताइए, दुकान वाला तब भी हिचकिचाहट में आ जाएगा, थोड़ी सी परेशानी में आ जाएगा। आप सीधा उससे यही बोलिए कि मुझे वॉक अवे प्राइस आपकी बताइए, आपकी प्राइस मुझे अच्छी लगी तो मैं रुकूंगा, इसको प्रोडक्ट को देखूंगा, इसकी क्वालिटी को चेक करूंगा, नहीं पसंद आया प्राइस तो मैं चला जाऊंगा। दोस्तों, बहुत बार आपको ये अप्रोच प्रोडक्ट की असली कीमत पे डायरेक्ट लेके जाएगा, अदरवाइज आप असली कीमत जानना मुश्किल है किसी और मेथड के थ्रू। इससे आपकी एनर्जी बची, आपका टाइम बचा, आपका जो हरासमेंट होने वाला था नेगोशिएशन के टाइम, तू मैं इतना उतना इतना कितना इतने में दे रहे इतने में नहीं दूंगा, ये सब चीज़ों से भी आप बच गए हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे वॉक अवे मेथड नंबर 4 की। क्या होगा दोस्तों अगर आप वॉक अवे कर गए, सिचुएशन देखिए, अगर आप वॉक अवे कर गए और शॉप वाले ने आपको बुलाया ही नहीं, क्या होगा, चलिए समझते हैं। खासकर जब मैं जल्दी में होता हूं तो विवाद करना एकदम पसंद नहीं करता हूं, तो मैं सीधा दुकान वाले को बोलता हूं कि आप मुझे वॉक अवे प्राइस बताइए, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ले लूंगा, नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, यही वॉक अवे मेथड का इस्तेमाल करके मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, और जब मैं कोई चीज़ बेच रहा होता हूं तो मैं ये कहकर शुरू करता हूं कि ये मेरी, मैंने एडवांस में कह दिया कि ये मेरी वॉक अवे प्राइस है, आपको पसंद है तो आप लीजिए, अदरवाइज यू डोंट वेस्ट योर टाइम, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। सो दोस्तों, सम टाइम पीपल आस्क, क्या होगा यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और अब आपने ये कहकर खुद को परेशानी में डाल लिया है कि आप चले जाएंगे, यानी वॉक अवे कर जाएंगे, और उसने बुलाया ही नहीं तो। सो माई फ्रेंड्स, याद रखिए, दूर चले जाना बातचीत का एक और तरीका है, बल्कि क्योंकि बातचीत तो वैसे भी नहीं बनने वाली थी, तो ये एक ऐसा पासा फेंका है मैंने, हो सकता है इस चक्कर में वो मुझे बुला ले और मुझे वॉक अवे प्राइस मिल जाए। तो दोस्तों, आपको एक सच्ची बात बता देता हूँ और जानकारी वाली भी है, जब तक आप उठकर चले नहीं जाते, वॉक अवे नहीं कर जाते, या वॉक अवे करने की धमकी नहीं देते, केबिन से बाहर, शॉप से बाहर, या किसी स्टोर से बाहर चले नहीं जाते, घूमकर फिर वापस नहीं आ जाते, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब तक आप
उठ के जाने की धमकी नहीं देते तब तक एक्चुअल प्राइस का पता नहीं चलता है। सो दोस्तों, इस वॉक अवे मेथड को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मैं अपनी वाइफ के साथ किसी शोरूम में कार खरीदने गया। मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी थे। हम लोग कार के शोरूम में गए, घुस गए। वहाँ पे हम लोग को कार भी पसंद आ गई, जो कि मेरे वाइफ को उनके सूटेबिलिटी के हिसाब से एकदम अच्छी थी, फिट थी, पसंद थी, कलर वगैरह एट्सेट्रा सब कुछ पसंद आ गया। अब हम नेगोशिएशन के लिए बैठे। जब हम नेगोशिएशन के लिए बैठे तो बैठने से तुरंत पहले मैंने उनके मैनेजर को ये कहा कि देखिए, मुझे कार के मामले में थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसमें मैं काम कर चुका हूँ, स्पेशली प्राइस को लेके मुझे पता है, तो प्लीज़ आप मुझे अपनी बॉटम प्राइस बताइएगा, मतलब वॉक अवे प्राइस बताइएगा। तो और जो मेरे दोस्त साथ में हैं, इनको भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, इसलिए मैं इन्हें भी लेके आया हूँ ताकि मुझे सपोर्ट मिले थोड़ा प्राइजिंग में, और इनको इनका जो एक्सपीरियंस है ये मैं यूटिलाइज कर सकूँ। तो मैंने उनको कहा, क्या ये आपके लिए उचित है, क्या ये आपके लिए सही है जो मैंने आपको कहा कि मुझे आप वॉक अवे प्राइस बताइएगा। तो जो लेडी वहाँ पे सेल्स वाली लेडी थी, उन्होंने कहा बिल्कुल ओके सर, एब्सोल्युटली ओके, हम आपको एकदम वाजिब दाम ही बताएंगे। तो उन्होंने 18 लाख का प्रपोज किया कि ये कार 18 लाख की है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये 18 लाख बहुत ज़्यादा है। और ऐसी खींचातान थोड़ी देर होती रही, तो उनको मैंने कहा कि नहीं देखिए, 18 लाख नहीं, हमारा 15 लाख बजट है, वो भी 15 में सारे टैक्सेस इंक्लूड करके। ये बोलकर हम लोग वॉक अवे करने लगे, एकदम स्लो अंदाज में, एकदम धीरे धीरे। तो वो लेडी बेचारी दौड़ती हुई आई, उन्होंने कहा अरे रुकिए सर, मैं मेरे मैनेजर से बात करती हूँ, आप रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए, जब तक आप पानी लीजिए, कॉफ़ी दिलाइए, ये करिए, ये वो कीजिए, ऐसा करके हमें उन्होंने थोड़ा वेट करने के लिए कहा। 2-4 मिनट के बाद वापस वो लेडी आई एक बेस्ट ऑफर लेके। वो लेडी ने कहा सर, इस कार को हम आपको 17 लाख में दे देंगे। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं कहा, हम चारों लोग खड़े हुए और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बातचीत किए, फिर शोरूम के डोर तक, एग्जिट डोर की तरफ हम लोग निकल गए, फिर धीरे धीरे चलने लगे। और मैं झूठ मूठ का चलने से पहले कुछ मोबाइल में ऐसे ही पेपर से कुछ भी लिख रहा था, ऐसे ही दिखावे के लिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला सर, एक बार और मुझे चांस दीजिए, मैं मेरे मैनेजर से बात करती हूँ, बात करके आपको बताती हूँ। बाद में आखिर खींचातान करके ऐसे हमने 3-4 बार किया, आखिर में उस लेडी ने कहा कि सर, हम लोग अग्री हैं आपको 15 लाख में देने के लिए, कार को सेल करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैसेज ये है कि आप जब तक वॉक अवे मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, आपको सही कीमत का पता बिल्कुल नहीं चलेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 की, नेगोशिएशन आर नेवर फाइनल। दोस्तों, अब जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो जस्ट 1 घंटे पहले हमने एक अच्छी डील क्लोज की, जो कि 2-3 दिन से खींचातान ऐसे ही चल रही थी, क्लोज नहीं हो रही थी। तो हमने उसमें नेगोशिएशन के सारे उसमें टैक्टिक्स यूज़ किए, इमोशंस के लेके, कमिटमेंट से लेके, बहुत सारी चीज़ें हमने डाली, जो कि अभी और भी आने चैप्टर्स बाकी हैं, सेक्शन बाकी हैं, आप लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, ये नेगोशिएशन ऐसी चीज़ है ना कि ये कभी फाइनल नहीं होती, कभी कोई चीज़ अंतिम फैसला नहीं होता है, कभी कोई चीज़ एकदम से ये नहीं होती है कि नहीं अब ये नहीं चेंज होगा, ये नेगोशिएट नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ नेगोशिएबल माई फ्रेंड्स, इन नेगोशिएशन एवरीथिंग इज़ अल्टर हो सकता है, कुछ भी नेगोशिएशन हो सकता है। कभी अभी आप किसी भी प्राइस को कभी फाइनल मान के मत चलिए। इवन इफ यू हैव साइंड द अग्रीमेंट ऑल्सो, देन यू कैन चेंज इट, यू कैन रिक्वेस्ट देम, यू कैन इन्वाइट देम कि ये सर, इसमें एक मॉडिफिकेशन, एक अमेंडमेंट मुझे चाहिए, मेरे मैनेजमेंट को इस पर कुछ क्वेरीज है, ये हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, तो प्लीज़ आप एक मीटिंग फिक्स कीजिए और जाके बातचीत कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टेंट तुरंत चेंज हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आप उसकी प्रक्रिया, उसकी बातचीत आज से शुरू कीजिए। इट मे टेक 1 वीक, 20 डेज, मे बी 1 मंथ, मे बी 2 मंथ्स, लेकिन वो चेंज होगा। मैंने खुद बहुत सारे अग्रीमेंट चेंज किए दोस्तों, कॉरपोरेट से मैंने अग्रीमेंट चेंज किए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप इतना ज़्यादा गंभीर मत लीजिए कि एक बार नेगोशिएशन हो गए, एक बार मेरा क्लाइंट से अग्रीमेंट हो गया तो अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्लॉज मुझे ऐड करना था, वो क्लॉज ऐड करना था, ये गलती वो गलती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बैठिए, बात कीजिए उनसे, फिर से आप ईमेल कीजिए, फेस टू फेस मिलिए, जैसे भी हो, मतलब एक रास्ता आपके लिए ओपन है और आप ट्राई तो एटलीस्ट कर सकते हैं। ना तो वैसे भी है, आपने नहीं किया, हार मान के बैठे हुए हैं, हार तो वैसे भी है, ना तो वैसे भी है,
तो प्लीज आप इस चीज को एक्सेप्ट करें और उसे आगे फर्दर एग्जीक्यूशन में लेके आए और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखें, डर डर के भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको मॉडिफाई उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप एकदम धीरे से चुपके से ऐसे बोलें कि क्लाइंट भी नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं ये कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा। तो आप मजबूती से अपना पक्ष रखें, इसी में आपकी बुद्धिमानी है दोस्तों। तो मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन नंबर 4, व्हाई सेविंग फेस इज सो इंपॉर्टेंट। दोस्तों क्यों एक चेहरा इंपॉर्टेंट है? बैकग्राउंड में आपके एक चेहरा बचा के आपको रखना चाहिए। क्यों आपके लिए जरूरी है ये? जरूरी इसलिए है ताकि आगे की स्थिति को संभालने के लिए वो चेहरा काम आएगा। वो आपके कोई भी हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, क्लीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सेविंग फेस फॉर्मूला दोस्तों लगभग हर जगह काम आता है, नॉट ओनली इन नेगोशिएशन सेगमेंट। इसे एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं दोस्तों। तो फर्ज कीजिए आप कोई यूज्ड कार खरीदने जाते हैं, आपके लेस के अंतर्गत के रूल के हिसाब से, लेस आपको पता है ना, इसी चैप्टर में हमने अभी डिस्कशन किया था, लेस के हिसाब से आपने अपने दिमाग में एक फिगर सेट किया हुआ है कि इस लेस या इस फिगर के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। तो आप क्या करते हैं, उस कार वाले को बोलते हैं कि भाई मुझे आपका लास्ट प्राइस बताइए। तो कार वाले ने आपको ऑफर किया 2 लाख रुपए, जबकि आपका लेस फॉर्मूला ये बोलता है, दिमाग में आपके फिगर है कि मुझे 190 से ज्यादा नहीं खरीदना या 195, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक चाल और चल सकते हैं। आपके साथ में लेट से आपके फादर गए होंगे, आपकी मम्मी होंगे या आपकी वाइफ होंगे, सब कोई भी हो सकता है, आप नेक्स्ट रेफर उनको कीजिए। सेविंग फेस की हम बात कर रहे हैं, भूलिएगा मत दोस्तों, आप रेफर कीजिए फट से। अपने फादर हैं तो साथ में लेट से मैं फादर की एग्जांपल लेता हूं, उनको रेफर कीजिए कि आप प्लीज़ पापा इनसे बात कीजिए, मुझे इन्होंने 2 लाख रुपए बोला है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका कम से कम 5 से 10 हज़ार, आपके फादर, मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरा वो है, प्लीज़ दे दो, मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, मेरे पड़ोसी हैं वो एक कार खरीदना चाह रहे हैं, मैं कोई कमीशन भी नहीं लूंगा और आपको मैं रेफ़र कर दूंगा, तो प्लीज़ इसे 190 में दे दे बेटा प्लीज़। आप यकीन नहीं करेंगे, किसका दिल नहीं पिघलेगा आप मुझे बताइए। 5 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये, आखिर लेस तो उसने भी अपना सेट किया होगा, जो कार बेचने वाला है उसका भी एक वॉक अवे प्राइस होगा, करेक्ट। तो स्कोप तो उसके पास भी होगा कभी, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा दोस्तों कि कोई चीज़ अंतिम आखिर नहीं होती, हमेशा हर चीज़ के नेगोशिएशन के भाव में एक बीच का फिगर होता है जो कि मार्जिन मार्जिन को सपोर्ट करता है। 5-10 ऊपर 5-10 नीचे दोनों साइड का मार्जिन होता, खरीदने वाला भी 5-10 की फिक्र नहीं करता, बेचने वाला भी थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 की फिक्र नहीं करता। तो ये सेविंग फेस का कमाल है दोस्तों, और ये सेविंग फेस कॉरपोरेट में भी यूज़ होता है, मैंने खुद देखे बहुत जगह यूज़ होता है, बट इस चीज़ को और बढ़ावा देना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी लोगों को होना चाहिए कि सब कुछ दोस्तों, काइंडली मार्क माय वर्ड, सब कुछ आप अकेले नहीं हैं, सब कुछ आप अप्रूवल नहीं देते हैं, सब कुछ आप साइन नहीं करते हैं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इवन इफ़ यू आर अप्रूवर, तब भी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि फाइनल कॉस्ट आप ही अप्रूव करके देंगे। भले आपने डायरेक्ट मीटिंग किया हो, तब भी आप सामने वालों को ये रिवील नहीं होने देंगे कि आप फाइनल अप्रूवर हैं, आपको ये चीज़ बोलना ही नहीं है, क्योंकि आपको सेविंग फेस दिखाना है। एक लास्ट में बैकग्राउंड में कोई चेहरा बैठा हुआ है जिनसे मुझे बात करनी है, उसके बाद मैं आपको प्राइस ऑफर करूंगा, भले चाहे सेम प्राइस ही ऑफर क्यों ना करें, तब भी आपकी एक वजनदारी तो बनेगी कि इसने अपफ्रंट मैंने जो बोला एक सेम प्राइस 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए 10 रुपए वट एवर द प्राइस में भी सेम प्राइस में इसने फट से हाँ बोल दिया, तो आप सोचिए आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी, कि लग रहा सामने वाला वो सोचेगा कि यार मैंने 10 रुपए बोला, लग रहा है ये 8वीं भी अग्री हो सकता है क्योंकि उसने फट से हाँ बोल दिया है। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ समझें कि इम्पॉर्टेंस क्या है सेविंग फेस की। तो याद रखिए दोस्तों, नेगोशिएशन के मैटर में कभी भी जल्दबाजी एकदम ना करें, इट हैज़ स्टेप, इट हैज़ अ प्रोसेस, इट हैज़ अ लेयर विच यू कांट स्किप। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।